हेलो गाइस, जिस व्यू पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं क्रेटा के अपडेट की। जी हां दोस्तों, क्रेटा एडवांस फीचर के साथ ही जबरदस्त अंदाज में मार्केट में जल्द ही लॉन्च होने वाली है। साथ ही बात करते हैं गाइस इससे कुछ अपडेट्स की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ह्युंडई क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल को मलेशियाई मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी हो चुकी है। कंपनी ने इस एसयूवी की आधिकारिक बुकिंग भी वहां के मार्केट में शुरू कर दी है। नए क्रेटा में कई ऐसे एडवांस फीचर शामिल होंगे जो आपको दीवाना बना सकती है। तो चलिए गाइस, बात करते हैं इसके कुछ और फीचर्स के बारे में और जानते हैं क्रेटा में क्या क्या नए अपडेट्स मिलेंगे। साउथ कोरियन की कार निर्माता कंपनी ह्युंडई ने अपने व्हीकल लाइनअप को तेजी से अपडेट करने में लगी हुई है। न केवल इंडियन मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी ब्रांड अपने वाहनों के नए अपडेटेड मॉडलों को उतारने की तैयारी कर रही है। ह्युंडई अपने मशहूर एसयूवी क्रेटा के नए फेसलिफ्ट मॉडल को बिल्कुल नए अंदाज में पेश करने जा रही है। मलेशियाई मार्केट में इस एसयूवी की बुकिंग भी स्टार्ट कर दी गई है। बहुत जल्दी ही इसे इंडिया के मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि क्रेटा के सेकंड जनरेशन मॉडल को कंपनी ने साल 2020 के मार्च महीने में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। हालांकि इसे कुछ दिनों के बाद ही देश भर में कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया था। अब इंडियन कस्टमर्स को भी इसके फेसलिफ्ट मॉडल का बेसब्री से इंतजार है। ऐसा माना जा रहा है कि मलेशियाई बाजार के बाद इसे इंडियन मार्केट में भी लॉन्च किया जाएगा। ह्युंडई क्रेटा अपने सेगमेंट में काफी मशहूर है। इसके फेसलिफ्ट मॉडल में कई बड़े बदलाव होने की उम्मीदें हैं। इसका फेसलिफ्ट वर्जन टस्कॉन से प्रेरित लग रहा है। इसके फ्रंट फेस काफी हद तक वैसा ही है। जानकारी के अनुसार इसे कुल 5 रंगों में मार्केट में अवेलेबल किया जाएगा, जिसमें गैलेक्सी ब्लू पर्ल, क्रीमी व्हाइट पर्ल, ड्रैगन रेड पर्ल, टाइटन ग्रे मेटालिक और मिडनाइट ब्लैक पर्ल शामिल है। मलेशियाई मार्केट में लॉन्च ह्युंडई की 2023 क्रेटा को केवल सिंगल वेरिएंट में ही लॉन्च किया गया है, जिसे कंपनी ने क्रेटा 1.5 प्लस का नाम दिया है। संभव है कि यह एक बेस वेरिएंट ही होगा, जिसमें कंपनी ने 1.5 लीटर की पेट्रोल इंजन का उपयोग किया है, जो 115 पीएस की पावर 143.8 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में जनरेट करने में सक्षम है। बात करते हैं गाइस ह्युंडई क्रेटा के डाइमेंशंस की, तो लेंथ 4315 mm, विथ 1790 mm, हाइट 1630 mm की, व्हील बेस 2610 mm के मिलेंगे। बात करते हैं गाइस फीचर्स की, तो यहां पर आपको 10.25 इंच का फुली डिजिटल TFT LCD डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा पावर विंडो, 4 स्पीकर्स, 2 ट्यूटर्स, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम्स, माउंटेड कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्ट पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, रिमोट स्टार्ट फंक्शंस, पैडल शिफ्ट ड्राइविंग मोड, डायनामिक पार्किंग गाइड, रियर व्यू कैमरा, 2 पावर आउटलेट पोर्ट, 3 USB पोर्ट, साथ ही नेविगेशन सिस्टम्स, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले शामिल है। बात करते हैं गाइस क्रेटा के सेफ्टी फीचर्स की, तो क्रेटा में आपको 6 एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, पावर चाइल्ड लॉक और पार्किंग असिस्ट सिस्टम, फ्रंट और रियर आइसोफिक्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा साथ ही गाइस नई अपडेटेड क्रेटा में आपको ADAS फीचर्स मिलेगा, जो ड्राइविंग को और अधिक स्मार्ट और असिस्ट बनाती है। अब बात करते हैं गाइस क्रेटा के भारत में लॉन्चिंग की। नए ह्युंडई क्रेटा के फेसलिफ्ट मॉडल को भारतीय बाजार में कब लॉन्च किया जाएगा, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। फिलहाल कंपनी इंडियन मार्केट में अपनी मिनी SUV दैट मीन्स ह्युंडई ईस्टर को लॉन्च करने में व्यस्त है, जिसके नाम की घोषणा हाल ही में की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में नई क्रेटा को यहां के बाजार में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये थी गाइस ह्युंडई के अपडेटेड वर्जन क्रेटा के बारे में आज का वीडियो। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो? चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल डील्स फॉर यू।